हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोगिन स्टडी पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं BHTC काउंसलिंग 2021 के बारे में। दोस्तों अभी की देखिए सबसे बड़ी अपडेट जो कि आई है, BHTC के काउंसलिंग फोरम जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक जो कि लास्ट डेट रहने वाली है, कितने नंबर वाले काउंसलिंग कराए, इसलिए प्लीज़ देखिए इस वीडियो को, आप सभी को लास्ट से देखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको BHTC से रिलेटेड सभी जानकारी जो कि यहाँ पे देते रहेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों आपको BHTC की ऑफिशियल साइट पे दिखाते हैं अभी अभी जो कि एक नया नोटिस जारी हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे BHTC के, अगर किसी को ऑफिशियल साइट पता नहीं तो यहाँ पे देखिए preDELED.com, ठीक है ना, ये BHTC की ऑफिशियल साइट है। जैसे देखिए आप इस पर क्लिक करोगे अभी देखिए बिल्कुल साइट चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले देखिए यहाँ पे ओनली एक ऑप्शन था प्रिंट रिजल्ट कार्ड, लेकिन अब देखिए जो कि नया एक यहाँ पे ऑप्शन आया है काउंसलिंग पंजीयन एवं अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विकल्प देने के संबंध में, ठीक ना। जैसे देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे जो कि एक नया जो कि पेज ओपन होता है, देखिए आपको दिखा सकते हैं वेबसाइट विज्ञापन संख्या, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है काउंसलिंग कैलेंडर के बारे में, चलिए आपको देखिए थोड़ा पढ़ के यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि, ठीक ना, आपको पहले भी बताया था देखिए कि आपकी राशि यहाँ पे काउंसलिंग के लिए कितने रुपए लगने वाली है, 3,000 रुपये लगने वाले हैं और 3,000 रुपये का भुगतान आपको ई मित्र से करवाना है। इसके अलावा देखिए 30 तारीख से लेकर, ठीक ना, मतलब देखिए दोस्तों आज से जो कि 5 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन सूची के अनुसार। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने बताया था कि काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा, कॉलेज की लिस्ट आएगी। तो जल्दी देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट आने वाली है, जब भी आती है आपको बिल्कुल यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये हुआ अपना काउंसलिंग का, कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, मित्र के द्वारा काउंसलिंग करवानी है, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे 30 से 5 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक ना। ऑनलाइन सूची विकल्प देखिए आपको ऑनलाइन जो कि कॉलेज कब तक भरना है, 6 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन कॉलेज भरना है। अब बात करते हैं कि देखिए कितने नंबर वाले जो कि काउंसलिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल देखिए ये भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ देखिए इस वीडियो को लास्ट देखना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी जल्दी से एक बार लाइक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि देखिए सबसे पहले आपको कट ऑफ बताई थी मैंने कि BHTC की कट ऑफ जो कि लगभग अप्रोक्स ये रहने वाली है, जिनके देखिए दोस्तों इतने नंबर, ठीक ना, जिनके देखिए लगभग इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ आपको देखिए काउंसलिंग करवाना चाहिए। और जिनको लग रहा है कि देखिए हमारा हो सकता है, बिल्कुल उनको काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके 3,000 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता तो आपके 3,000 रुपये फिर से रिफंड होंगे, ठीक ना। ये देखिए आपको पूरा पहले बता देते हैं, आपके 3,000 रुपये पूरे के पूरे वहाँ पे रिफंड होने वाले, ठीक ना। तो आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो अगर आपके देखिए, आपको कट ऑफ बता देते हैं, जनरल मेल कैंडिडेट की 390 से 410 लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है, फीमेल के देखिए दोस्तों 380 से 400। और आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ आपको पहले वीडियो में दोस्तों बताया गया, ठीक ना। तो इसके अगर आसपास आपकी कट ऑफ है, इसके आसपास अगर आपके नंबर है तो देखिए आपको काउंसलिंग बिल्कुल करवाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके 10-20 नंबर इससे कम भी आ रहे हैं तो भी आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, ठीक ना। तो यह था दोस्तों आज का अपना छोटा सा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट बचते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ देखिए आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट का बिल्कुल यहाँ पे रिप्लाई देने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आगे कोई भी अपडेट आती तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।